जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग गेम पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर, ताकि उनको जो लॉसेस हो रहे हैं इस स्टॉक के प्राइस के नीचे जाने की वजह से, उस लॉस को कैसे मिनिमाइज किया सके इसके बारे में समझ सके। यहाँ पर देखिए एक दिनों में 5% की गिरावट इस स्टॉक में जो देखने को मिल रही है, इसकी वजह से वो लोग जो खासकर हाल फिलहाल के दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, और खासकर एकदम टॉप पे ही जिन लोगों ने बाई की उनकी एकदम अभी ऐसे समझिए कि जान निकल रही है और एक चिंता जाहिर है, क्योंकि पैसा लगा हुआ हार्ड एंड अर्न मनी जब आपका लगा हुआ होता है और पैसा आपका नीचे की तरफ आता है, दिमाग खराब होना लाजमी है। दिक्कत इसलिए अभी ज्यादा आ रहा है क्योंकि लोग इस कंपनी के शेयर को सेल नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी समस्या यही पे है, यदि इससे स्टॉक के शेयर सेल हो जाते तो फिर कोई मतलब उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। मेन समस्या यही पे कि लोग इसको सेल नहीं कर पा रहे। सेल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एक तो ये लोअर सर्किट में लगा है, लोअर सर्किट में वैसे भी सेल नहीं होता, और दूसरी ये स्टॉक अभी ESM की कैटेगरी में, जब ESM की कैटेगरी में कोई स्टॉक आ जाता है तो वैसे भी खतरनाक सिचुएशन हो जाता है। हालांकि पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है इस स्टॉक में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे इस स्टॉक को जल्दी से सेल कर सकते हैं, और एक बार स्टॉक सेल हो गया तो लॉस मिनिमाइज होने जैसे ही बात रहेगी। चलिए इस वीडियो में आगे समझते हैं कैसे क्या हो सकता है, कहाँ पे कौन सी चीज है, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। BSE इंडिया की वेबसाइट पर जब आप देखेंगे इस स्टॉक को, यहाँ पे मैंने एम्पावर इंडिया लिमिटेड को ओपन किया हुआ है, तो आप देखिए ये स्टॉक अभी ESM की कैटेगरी में दिखेगा। ESM स्टेज वन में है, हालांकि ESM स्टेज वन की कैटेगरी उतनी घातक नहीं होती जितनी कि ESM स्टेज टू की होती है, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ESM की कैटेगरी में है तो दिक्कत तो देगा, लेकिन ESM की जो कैटेगरी में स्टॉक्स होते हैं खासकर स्टेज वन में, तो वो फिर जल्दी बाहर आ जाते हैं स्टेज वन में, चूंकि स्टॉक काफी दिनों से, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस मंथ में ये स्टॉक बाहर आ जाएगा ESM की कैटेगरी से। और उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है, पिछले कई दिनों से आप देखिए स्टॉक आपको लोअर सर्किट में चलते हुए दिखेगा, और लोअर सर्किट में चलने की वजह से इस स्टॉक का प्राइस आपको 4 रुपए से 2.5 रुपए तक आते हुए दिखा है, मतलब तकरीबन आधा हो गया ये स्टॉक। तो ESM की कैटेगरी से जैसे ये स्टॉक बाहर आएगा तो आपको लोअर सर्किट से भी स्टॉक बाहर होते हुए दिखेगा। हालांकि आपको मैं आगे दिखाऊंगा मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, इसमें जो लोअर सर्किट लग रहा है ना, जिस प्राइस पे लोअर सर्किट अभी लगा हुआ है, अपर सर्किट भी इससे बहुत ही नजदीक में है, अपर सर्किट कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता है तो इस स्टॉक में अपर सर्किट आपको लग जाएगा, और एक बार अपर सर्किट लगा तो फिर सारे लोग जो निकलना चाहते हैं वहां से एग्जिट कर सकते हैं, अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 2.29 रुपया, और इसमें जो लोअर सर्किट लगा है 2.29 रुपया पे लगा है, जहाँ पे अभी इसका प्राइस चल रहा है। और अपर सर्किट देखेंगे तो अपर सर्किट इस स्टॉक में लग सकता है 2.53 रुपया पर, यानी कि ज्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ 20-30 पैसा का अंतर। और थोड़ा सा अभी वॉल्यूम अगर बढ़ते हुए दिक्कत क्या है ना, कि क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है तो नए बायर्स तो इसमें आ नहीं रहे, और वॉल्यूम फिर इसमें बढ़ नहीं रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो इसमें अपर सर्किट लगते हुए दिख जाएगा, और एक बार अपर सर्किट लग गया तो गाइस आपका जो भी इसमें लॉसेस हो रहा है प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और नहीं भी एग्जिट करेंगे तो, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किए, तो अभी के प्राइस के नीचे जाने से तुमको चिंता नहीं है, लेकिन जो लोग एकदम टॉप पे बाई किए और हाल फिलहाल के दिनों में बाई किए, ये चिंता उनके लिए भी बहुत गहरा गई है कि वो बेच नहीं पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी को, कि अभी हमें इसमें एक्श्योर में करना क्या है। नीचे एक साल के चार्ट पर आ जाइए, एक साल के चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया, और आपको स्प्रेड देखिएगा एक साल के चार्ट पर कि प्राइस 0 से समझिए एकदम उठना शुरू हुआ था, प्राइस पहुंचा था 4 रुपए के आसपास, इतना बढ़ा था, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, या चूंकि पेन स्टॉक है तो ऑपरेटर्स का गेम भी होता है, तो ये ऑपरेटर्स का गेम भी कह सकते हैं कि इतना सामान्यतः अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना इतना नहीं टूटता है, लेकिन ये इतना टूटा, ये कायदे से इसको 3.5 रुपए या 3 रुपए तक आना चाहिए था, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लेके प्राइस को ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्राइस लगता है एक तरफ गिरते जा रहा है। प्राइस कहां तक नीचे गिर सकता है, देखिए अब ये कहना बहुत मुश्किल है जब तक ये स्टॉक ESM स्टेज से बाहर नहीं आ जाता। हालांकि टेक्निकल डाटा के हिसाब से प्राइस जो गिर रहा है 2 रुपए के लेवल तक आना चाहिए, 2 रुपए के लेवल तक आने के बाद इसको ठहरना चाहिए, और फिर प्राइस यहां से सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा, तो इजिली फिर से आपको कम से कम जहां तक प्राइस जहां से गिरना शुरू हुआ था वहां तक तो प्राइस आपको जाता है, तो आप 2 रुपए तक आने तक वेट कीजिए, और वैसे भी आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपको बस वेट ही करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज 2 रुपए तक आने तक वेट कीजिए, थोड़ा सा और सब्र रखिए, 2 रुपए तक आने के बाद एक करेक्शन एक ऊपर की तरफ इसमें बनता है, रिट्रेसमेंट होगा, और फिर वहां पर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, क्योंकि 2 रुपए का जो लेवल होता है साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है। बाकी मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश किए हैं, यदि आपने कंपनी के काम धाम फंडामेंटल को समझकर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप शॉर्ट टर्म में लोअर सर्किट लगने ESM या JSM कैटेगरी में स्टॉक आने से घबराइए मत, आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचिए। लॉन्ग टर्म में जब मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैक्सिमम ओपन कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस आपको ऊपर ही जाते हुए दिखाया। देखिए यहाँ से प्राइस इतना ऊपर आया था,
ऊपर आया, फिर ऊपर आने के बाद फिर प्राइस इतना नीचे आ गया, तो लोग यहाँ पे पैनिक तो जरूर हुए होंगे, लेकिन जो लोग बने रहे होंगे उनको यहाँ तक का बेनिफिट इस स्टॉक में मिला होगा, इसीलिए प्राइस नीचे आ रहा है। तो घबराइए मत, यहाँ तक नीचे आया तो फिर प्राइस उठा भी उठा और फिर अभी नीचे आ रहा है, तो फिर प्राइस उठेगा गाइज, आप भरोसा रखिए। यदि हार्ड एंड अर्न मनी लगाए हैं तो उसको लॉस में मत निकालिए, आप सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, और स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि सब्र का फल प्रॉफिट होता है, तो आप इसमें रुके रहिए, आपको जो लॉसेज हो रहे हैं समय के साथ रिकवर हो जाएंगे और बेच के आप निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी समझ में आ रहा होगा, मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हम पर्सनल बातें करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।